नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र बड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो फन में। आज ये हमारे पास है लिनोवा का थिंक पैड, जिसके अंदर हम रैम और मेमोरी जो है, हार्ड डिस्क जो है, वो चेंज करने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि किस तरीके से आप अपने लैपटॉप की हार्ड ड्राइव और रैम जो है वो चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से उनकी हार्ड ड्राइव और रैम को जो है अपग्रेड कर सकते हैं, उनका स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक लैपटॉप है जिसके अंदर 4GB रैम और 280GB हार्ड डिस्क है। तो अभी जो है इसकी हार्ड डिस्क और रैम निकाल के मैं इस लैपटॉप में डालने वाला हूँ और देखते हैं क्या इससे हमारा डेटा जो है वो लॉस होता है या डेटा हम सेव कर सकते हैं, किस तरीके से हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है मैं इसकी रैम निकालने वाला हूँ तो, और हार्ड डिस्क भी निकाल लेते हैं साथ ही में। तो इसके लिए हमें कुछ इसके स्क्रू ओपन करने होंगे। तो एक तो हमें ये वाला स्क्रू जो है ये ओपन करना होगा हार्ड डिस्क रिमूव करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता और आपको काफ़ी टेक्नोलॉजी से जुड़े काफ़ी वीडियोस यहां पे आपको मिलते रहेंगे इस चैनल से। तो मैं अभी जो है फटाफट ज़्यादा देरी नहीं करते हुए इसको ओपन कर लेता हूँ। ज़्यादा जोर देंगे तो आपकी जो लैपटॉप की स्क्रीन है वो डैमेज हो सकती है। ये रैम
पास सेम लैपटॉप है, इसलिए मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और ये वाली रैम को भी आप दूसरी रैम जो है पहले नीचे रैम लगाने के बाद उसके बाद में ऊपर से रैम लगा सकते हैं इसे अच्छे तरीके से। तो ये रैम हमारी लग चुकी है। हमारी रैम अच्छी तरीके से लगी है। यदि आपकी रैम जो है अच्छे तरीके से लैपटॉप में नहीं लगेगी तो आपकी लैपटॉप स्क्रीन जो है वो ब्लैंक रहेगी, कोई भी स्क्रीन पे किसी भी तरीके का आएगा नहीं। अभी आप देख सकते हैं हमारी जो है रैम अच्छे से लग चुकी है। जो
स्क्रीन पे जो है लिनोवा थिंकपैड को मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और इसे यूज़ करने का मेरा सिर्फ एक ही रीज़न है कि ये जो है काफ़ी ही सिंपल मैकेनिज्म के साथ ये लैपटॉप आता है। कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर नहीं है। कोई भी जो पार्ट इसका यदि डैमेज होता है या मेरे को अपग्रेड करना होता है तो मैं ईजिली खुद ही है उस पार्ट को रिप्लेस कर सकता हूँ, रिपेयर कर सकता हूँ। यही इसकी खास बात है, इसी के कारण से मैं अभी तक इसे यूज़ कर रहा हूँ। अभी देखते हैं ये मेरे से जो है पासवर्ड, जो इस लैपटॉप का पहले वाला पासवर्ड था वो एक्सेप्ट करता है या उस लैपटॉप का पासवर्ड एक्सेप्ट करता है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि डेटा जो है वो हमारा सेफ है या नहीं है, इसका इससे पता चलेगा। और आपको जो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी मैं दिखा दूँगा, तो वीडियो में आप बने रहिएगा। यानी इसने जो है मेरे पुराने वाले लैपटॉप का ही पासवर्ड एक्सेप्ट किया, यानी वो विंडो सेम टू सेम विंडो इसके अंदर आ चुकी है। सारा का सारा डेटा जो है हमारा सेफ है, कोई भी डेटा हमारा नहीं गया है। जो सी ड्राइव में, डी ड्राइव में जो भी डेटा था वो एज इट इज इस लैपटॉप में सारा का सारा डेटा आ चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको जो है हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। पास में जो बेल आइकन आए उस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो ये आप देख सकते हैं मेरा सारा का सारा डेटा जो है एज इट इज सेव है। कोई भी इस डेटा के अंदर मेरे को इशू नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। उस लैपटॉप की मेरी स्क्रीन डैमेज हो गई थी, इसके कारण से मैंने जो है अपना सारा जो डेटा है वो पूरा का पूरा इस लैपटॉप में ट्रांसफर किया था। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।